हेलो युवा नेता अर्जुन चौटाला डीएपी खाद के मूल्यों, कृषि कानूनों, गेहूं खरीद मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बीते सोमवार को अंबाला पहुंची। इस दौरान इनेलो कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अर्जुन चौटाला ने सीटीएम को राज्यपाल के नाम अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं अर्जुन चौटाला ने सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार आज हर मुद्दे पर फेल है और हरियाणा में भाजपा जजपा के नेताओं का जनता हर जगह विरोध कर रही है, क्योंकि हरियाणा में यह कमजोर और नाकाम सरकार है। बता दें कि इनेलो ने डीएपी खाद के मूल्यों में वृद्धि, तीन कृषि कानून और गेहूं खरीद समस्याओं के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया। अर्जुन चौटाला ने कहा कि आज देश भर में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं किसानों की आमदनी दुगनी करने के वादों पर सरकार नाकामयाब हो चुकी है और इन सभी मुद्दों को आज इनेलो ने पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किए हैं। चौटाला ने कहा कि सरकार को किसानों को सभी मांगे माननी चाहिए, सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए। वहीं भाजपा जजपा नेताओं के विरोध पर अर्जुन चौटाला ने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन करके सरकार तो बना ली, लेकिन जनता इन दोनों पार्टियों के खिलाफ है। हरियाणा ने भाजपा के खिलाफ अपना मत दिया था क्योंकि यह हरियाणा में कमजोर और नाकाम सरकार है। वहीं जजपा ने जनता से बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन जजपा जमा झूठी पार्टी है। उधर गृह मंत्री अनिल विज द्वारा किसान आंदोलन पर कोरोना को लेकर चिंता जताने पर उन्होंने कहा कि कुंभ के मेले में करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं तो सरकार को उनकी चिंता क्यों नहीं है, जबकि बॉर्डर पर आज तक एक भी किसान को कोरोना नहीं हुआ। उपचुनाव पर अर्जुन चौटाला ने कहा कि इनेलो की उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी है, कालका और एलेनाबाद में इनेलो मजबूत है। अर्जुन चौटाला ने जजपा नेताओं को चैलेंज देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, जजपा नेताओं को एलानाबाद में आना चाहिए, उनको कौन रोक रहा है, देखते हैं कि किसमें कितना दम है। क्या कुछ डिमांड्स हैं और किस तरह से आगे की कार्रवाई? प्रदेश के अंदर और बल्कि सारे देश के अंदर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही और जिस प्रकार से भी पेट्रोल के भी दाम बढ़ते गए हैं, डीजल के दाम बढ़ते गए हैं, बेरोजगारी बढ़ती गई है, ऊपर से जो किसानों के लिए सरकार ने वादे किए कि किसानों की आमदनी दुगनी करने का काम करेंगे, वो इन वादों पे सरकार आज के दिन नाकाम हो चुकी है। और कई और भी कारण हैं जिनकी वजह से इंडियन नेशनल लोकदल ने ये फैसला कराया है कि हरियाणा के हर ज़िले में हमारी जितनी भी जिले की कार्यकारिणी है, सारे हल्कों की कार्यकारिणी जो उनके अंडर आती है, सभी साथी मिल करके डीसी ऑफिस जा करके ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। सर, कृषि मंत्री का भी बयान आ गया, दोबारा बातचीत के लिए बुलाया है किसानों को, किस तरह देखते हैं इसमें? देखिए, बातचीत के लिए सरकार ने बुलाया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह सरकार से बातचीत के लिए बुलाए और सिर्फ मीडिया को, आम जनता को दिखाने के लिए कि भी हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे गलत चीज़ तो मेरा ये मानना है जिस प्रकार से सरकार बार बार भाई जो किसान है उनकी डिमांडों को भाई एक्सेप्ट करने से जो मना कर रही है, किसानों की पहले ही दिन से एक डिमांड रही है कि ये तीन काले कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। जब किसानों ने बार बार अपना पक्ष रखा है और क्या उनका पक्ष है, अभी क्या उनकी डिमांड है, उन्होंने हर बार वो सेम डिमांड रखी है, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं उन किसानों की बात माननी चाहिए और उनकी बात मान करके जो उनकी डिमांड है उनको पूरा करने का काम करना चाहिए, काले कानून वापस लेने चाहिए और साथ ही साथ एमएसपी के ऊपर एक पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी एमएसपी से अगर नीचे की खरीद करता है तो वो गैर कानूनी, उसको बनाने का एक कानून बनाना चाहिए। बीजेपी जेजेपी का जगह जगह विरोध हो रहा है, उस विरोध को किस तरह देखते हैं? विरोध जो है वो उग्र भी होने लगा है कहीं जगह पर। देखिए, विरोध ये तो बहुत जाहिर सी बात है, पहले ही दिन जब जेजेपी बीजेपी में गई तो उस दिन से ही उनका विरोध होने लग गया था। और बीजेपी का भी आप एक चीज़ मान के चलो, हालांकि इन्होंने सरकार बना ली दोनों पार्टियों ने गठबंधन करके, लेकिन हरियाणा में 50 सीट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हरियाणा की जनता ने एक मैंडेट दिया था कि भी हम बीजेपी की सरकार नहीं चाहते, तभी इस पार्टी के खिलाफ ज़्यादा सीटें गई हैं, तभी ऑपोजिशन को ज़्यादा सीटें गई थी। हालांकि इन्होंने गठबंधन करके सरकार बना ली, पर ये सरकार एक बहुत ही कमज़ोर और नाकाम सरकार है और इसका आपको पूरे प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। जगह जगह जिस प्रकार से इनके मंत्रियों का विरोध हो रहा है, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, और विरोध नहीं, आप कभी सोशल मीडिया पर जाके देखना, इतनी गंदी गंदी गाली लोग इनको बकते हैं,
कि भाई ये तो विरोध से भी एक कदम ऊपर जा चुका है, जिस प्रकार से भी हरियाणा की जनता का आप यूँ लगा लो जो एक वो होता है किसी भी नेता के प्रति कोई इज्जत भी होती है, वो भी इनके प्रति सारी खत्म हो चुकी है। आज हरियाणा की जनता ने मिलकर के फैसला करा है कि भी ये दो ऐसी पार्टी है इसका हमेशा के लिए इनका बहिष्कार। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।